नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब ईडी ने नोटिस भेजा है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नोटिस भेजा है। नोटिस में उन्हें 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री को सीबीआई अप्रैल महीने में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल से ईडी दिल्ली की नई शराब नीति मामले में पूछताछ करेगी। वहीं अब मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को केंद्र सरकार खत्म करना चाहती है, इसके लिए कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ रही है। सरकार किसी भी तरीके से फर्जी केस बनाकर केजरीवाल को बंद करना चाहती है और आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। वहीं अब दिल्ली से भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आज दिल्ली वासियों के जीवन में दशहरा का दिवस है, जब सच्चाई की जीत हुई और जल्द ही दिल्ली को केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने केजरीवाल को ईडी समन का स्वागत किया और कहा है कि यह सच्चाई के जीत का दिन है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर खारिज कर दी, तो वहीं अब इस पर भाजपा के शराब घोटाले के आरोप सही साबित हो गए और केजरीवाल को ईडी का समन। केजरीवाल टीम के जेल जाने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है अब कम होने का नाम नहीं ले रही। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी में जो है नोटिस भेजा है। 2 नवंबर को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री को सीबीआई जो है अप्रैल महीने में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। बता दें आपको कि इससे पहले 16 अप्रैल को कथित अबकारी घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने केजरीवाल से 9 घंटे की पूछताछ की थी। जांच एजेंसी इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि 9 घंटे तक चली सीबीआई की पूछताछ के बाद केजरीवाल ने कहा था कि आप एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। सीएम ने तब कहा था जब केंद्र के लोग आपको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता हमारे साथ है। शराब घोटाला पूरी तरह फर्जी है। तो लगातार अब पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, अब लगातार अब केजरीवाल भी इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी ने जो है केजरीवाल को नोटिस भेजा है। अब वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका मनीष सिसोदिया की खारिज कर दी। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी लगभग उनकी मुश्किलें जो है और बढ़ती जा रही हैं और उनकी पार्टी एकदम खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में आप इस नीति पे क्या सोचते हैं? क्या शराब घोटाले मामले में कितनी सच्चाई है और केजरीवाल क्या जेल जाएंगे या फिर केजरीवाल जो है वो बच पाएंगे? ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप देखते रहें नेक्स्ट नई आवाज़।